हेलो नमस्ते। आज हम बात करेंगे आईएसओ सर्टिफिकेशन के बारे में। आईएसओ सर्टिफिकेशन होता क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में, रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, क्या प्रोसेस है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ फ़ीस कितनी लगती है, क्या कॉस्टिंग आता है। ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स विच अ लॉट ऑफ पीपल वॉन्ट टू नो कि उनके पास अगर आईएसओ सर्टिफिकेट है या वो रजिस्ट्रेशन करा के आईएसओ सर्टिफिकेट लेते हैं तो उस आईएसओ सर्टिफिकेट की ऑथेंटिसिटी क्या है, क्या उनका जो आईएसओ सर्टिफिकेट है वो रियल है, ऑथेंटिक है, ये भी पता करने का एक तरीका है, जिसके बारे में हम इस पूरे वीडियो में बात करेंगे। लॉट ऑफ टॉपिक्स वील कवर जो अभी जस्ट मैंने मेंशन किया, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो आईएसओ होता क्या है? आईएसओ बेसिकली क्वालिटी, सेफ्टी और एफिशिएंसी, किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस जो प्रोवाइड किया जा रहा है उसके क्वालिटी, सेफ्टी और एफिशिएंसी को देख के एक बिजनेस को एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है, जिसको कहते हैं आईएसओ सर्टिफिकेट। अ लॉट ऑफ आईएसओ ऑर्गेनाइजेशंस ऑन द बेसिस ऑफ दीज पैरामीटर्स प्रोवाइड अ सर्टिफिकेट ऑफ आईएसओ टू दीज पर्टिकुलर बिजनेसेस एंड स्टार्टअप्स। अब नेक्स्ट बात करेंगे आईएसओ के बेनिफिट्स की। सबसे पहला बेनिफिट ये है कि आईएसओ सर्टिफिकेशन जो होता है एक इंटरनेशनल एक्नॉलेजमेंट होता है, एक इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन होता है, जिसकी वजह से आप इंडिया में काम करें, पैन इंडिया काम करें, या फिर इंडिया के बाहर पूरे वर्ल्ड में काम करें, आपके पास एक इंटरनेशनल एक्नॉलेजमेंट होता है आपके बिजनेस का। दूसरा पॉइंट ये है कि इट मार्क्स एज अ ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग टेक्निक, कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए काम आता है। जब आप उस चीज़ की किसी भी अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करते हैं उसमें लिखा रहता है आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी, तो एक कस्टमर ट्रस्ट बिल्डअप होता है, एक क्रेडिबिलिटी बिल्ड होती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा पॉइंट हो गया, जब आप गवर्नमेंट टेंडर्स के लिए अप्लाई करते हैं, आप बिडिंग करते हैं गवर्नमेंट टेंडर्स के लिए, तो आपको आईएसओ सर्टिफिकेट जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो भी सबमिट करना पड़ता है। नेक्स्ट बात करेंगे आईएसओ की टाइप्स की। तो आईएसओ के जो टाइप होता है सबसे कॉमनली यूज जो है, मोस्टली जो बिजनेसेस यूज़ करते हैं वो है आईएसओ 9001, मोस्ट कॉमनली यूज्ड। अब जैसे फूड डिपार्टमेंट के लिए यानी कि क्यूएसआर जो रेस्टोरेंट्स होते हैं उनके लिए अगर आप बात करेंगे तो वो हो जाएगा 22000 आईएसओ, और फिर हो गया आईटी डिपार्टमेंट्स के लिए वो हो जाएगा 27001, लेकिन मोस्टली जो बिजनेसेस यूज़ करते हैं आईएसओ वो है 9001, विच इज़ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। अब नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब आप आईएसओ सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई करते हैं अपनी कंपनी के लिए, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अपलोड करने पड़ेंगे। बहुत मिनिमल डॉक्यूमेंट्स हैं। सबसे पहला हो गया आपका या तो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, या तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन का जो आपके पास है डिटेल्स वो डाल दीजिए, या फिर एमएसएमई सर्टिफिकेट डाल दीजिए। कोई भी ऐसा रेलिवेंट डॉक्यूमेंट जो आपके बिजनेस के एग्जिस्टेंस को दिखाता है वो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होगा। नेक्स्ट हो गया आपको पैन कार्ड कंपनी का अपलोड करना पड़ेगा। अगर मान लो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है तो फिर अपना पर्सनल पैन कार्ड आप अपलोड कर सकते हैं। तीसरा हो गया अगर आपके पास इनवॉइसेस है तो बहुत अच्छी बात है, इनवॉइसेस भी आप अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट हो गया आपके पास कंपनी का लेटर हेड होना चाहिए। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होगी, प्रोसेस क्या होता है, आईएसओ अप्लाई कैसे करते हैं। अब आईएसओ जो हो गया ना, आईएएफ एंड नॉन आईएएफ दो तरह का होता है, आईएएफ आईएसओ एंड नॉन आईएएफ। आईएएफ और नॉन आईएएफ के बीच में डिफरेंस ये है कि आईएएफ जो होता है वो बेसिकली एक इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन वो होता है ना, वो ज़्यादा कॉस्टली होता है, ठीक है। और जो नॉन आईएएफ आईएसओ होता है वो लेस कॉस्टली होता है। अब जो आईएएफ आईएसओ है वो जनरली उन लोगों के लिए है जो कि गवर्नमेंट टेंडर्स के लिए अप्लाई करते हैं। नॉन आईएएफ आईएसओ जो है वो जनरली मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग पर्पसेस के लिए यूज़ होता है। आईएएफ आईएसओ जो है वहाँ पे रिन्यूअल जो होता है, तीन साल में हर आईएसओ की वैलिडिटी 3 साल होती है, 3 साल बाद वो जो है एक्सपायर हो जाता है, उसकी जो आपको रिन्यूअल कराना होता है। तो आईएएफ आईएसओ जब आप लेते हो तो उसमें रिन्यूअल में ऑडिट कराना होता है, बट यहाँ पे इट इज़ अ वेरी इजी रिन्यूअल। यही डिफरेंस है आईएएफ आईएसओ और नॉन आईएएफ आईएसओ में, ठीक है। अब इसमें जो है ना कोई पर्टिकुलर गवर्नमेंट वेबसाइट नहीं होता जिसमें आप जाके, जैसे एमएसएमई में है कोई वेबसाइट है जहाँ आप जाके अप्लाई कर सकते हो, आईएसओ में कोई भी ऐसा गवर्नमेंट वेबसाइट नहीं है। आपको कोई भी ऐसी एजेंसी हायर करनी है जो कि आईएएफ आईएसओ और नॉन आईएएफ आईएसओ में डील करती है, ठीक है। अब नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई, फीस कितनी लगती है, कॉस्टिंग कितना आता है। तो नॉन आईएएफ आईएसओ जैसे मैंने बताया कि कंपैरेटिवली चीपर होता है आईएएफ आईएसओ से, नॉन आईएएफ में आपका चार्जेस आ जाता है अप्रॉक्सीमेटली 1500 to 3000 रुपीज़, ये मार्केट रेट है, ठीक है। और अगर आईएएफ आईएसओ लेते हो आप समवेयर बिटवीन 4000 to 8000 रेंज करता है आईएएफ आईएसओ। डिफरेंस एक और है कि आपके जो आईएसओ सर्टिफिकेट है ना, आईएसओ सर्टिफिकेट में आपका आईएएफ का लोगो रहेगा, आईएएफ एंड नॉन आईएएफ, दैट्स हाउ यू डिफरेंशिएट, ठीक है। और नेक्स्ट हो गया वैलिडिटी की अगर आप बात करो, तो जैसा मैंने पहले बताया था कि कोई भी आईएसओ सर्टिफिकेट आईएएफ या नॉन आईएएफ दोनों की ही वैलिडिटी जो होती है 3 साल होती है। रिन्यूअल भी मैंने बताया, आईएएफ में जो है आपको ऑडिट्स होंगे, नॉन आईएएफ में इट्स अ वेरी इजी रिन्यूअल प्रोसेस विथ वेरी नॉमिनल चार्जेस, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन जो मैंने एड्रेस किया था पहले भी बात की इसकी, कि कैसे चेक करें कि जो हमारे पास आईएसओ सर्टिफिकेट है वो वैलिड भी है कि नहीं, ऑथेंटिसिटी क्या है सर्टिफिकेट की। अब अपना जो सर्टिफिकेट देखोगे ना उसके नीचे में एक लिंक दिया हुआ होगा, वो लिंक पे आपको क्लिक करके ना अपना सर्टिफिकेट नंबर डालना है, दैट्स व्हेन यू गेट टू नो वेदर योर सर्टिफिकेट इज वैलिड या नहीं।
एक बार और मैं हिंदी में बताती हूँ, आपका जो ISO सर्टिफिकेट है ना, उसके नीचे में एक लिंक दिया होगा, उस लिंक पर आपको क्लिक करना है, क्लिक करके अपना सर्टिफिकेट नंबर डालना है और सारी डिटेल्स आ जाएंगे। इसी से आपको पता चलेगा कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो रियल है या नहीं, असली है कि नहीं, ऑथेंटिसिटी इसकी ऐसे पता चलेगी। अब बात आ गई, ये मैंने सारे ISO के डिटेल्स बता दिए जो भी मुझे इस वीडियो में कवर करना था, प्रोसीजर से लेके बेनिफिट से लेके प्रोसेस, ISO होता क्या है, कितने टाइप्स का होता है, सब कुछ ही मैंने कवर कर लिया। अब आ गई बात कि आप कैसे एजेंसी ढूंढोगे। तो अगर आपको अफोर्डेबल कॉस्ट में हैसल फ्री प्रोसेस ISO रजिस्ट्रेशन करना है अपने बिजनेस का, मैंने एक नंबर यहाँ पे दिया है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ये नंबर जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इजी प्रोसेस, बिना ज़्यादा लेंदी, ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, ईजिली हो जाएगा एट अ वेरी अफोर्डेबल कॉस्ट। प्लीज़ फील फ्री टू रीच आउट टू अस फॉर एनी सच सर्विसेज, स्टार्टिंग फ्रॉम कंपनी इनकॉर्पोरेशन टू GST रजिस्ट्रेशन, ISO रजिस्ट्रेशन, MSME, स्टार्टअप इंडिया, एनी ऑफ दीज थिंग्स। यू कैन जस्ट पिंग अस ऑन द नंबर दैट वी हैव गिवन हियर, यहाँ पे नंबर दे रखा है मैंने और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। आपको जो भी चीज़ रिक्वायरमेंट है, यू कैन गेट इन टच फॉर द सेम। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे, स्टे ट्यून्ड।